जो भी बताता हूँ आप लोग को टिक एकदम सही बताता हूँ। जो भी यहाँ पे थंबनेल पे दिखते हैं गाइस ना, वैसे ही सेम मैं फोटो एडिट करके आप लोग को दिखाता हूँ। और आप सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर आप लोग कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा गाइस। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप की पूरा फुल एचडी में आप लोग अपने फोटो को एडिट कैसे कर सकते हैं एंड फेस स्मूथ आप लोग पूरा फुल एचडी में कैसे कर सकते हैं गाइस। और यहाँ पे कुछ इस टाइप की बैकग्राउंड टोन आप लोग अपने फोटो में कैसे देख सकते हैं। तो गाइस बहुत ही सिंपल तरीका आप लोग बताया हूँ, अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देख लेते हैं ना गाइस, तो आप लोग भी कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे, मैं 100 में 100% गारंटी देता हूँ। तो चलिए चलते हैं गाइस, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं चैनल पे नया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप लोग को अब नीचे आना है और यहाँ पे ओरिजिनल पे आप लोग को क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। और ओरिजिनल पे क्लिक करने वास्ते आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है और आप लोग को ऐसे बैकग्राउंड पीछे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए एडजस्ट पे आना है फ्रेंड्स। और एडजस्ट पे आने वास्ते आप लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सिचुएशन का पूरा है यहाँ पे हुई माइनस, सिचुएशन माइनस में रखना है। और गाइस यहाँ पे देखिए आप लोग को हुई पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आप लोग को हल्का से इसको इंक्रीज कर लेना है। और इस पे आना गाइस, इस पे आने वास्ते इसको भी पूरा फुल इंक्रीज कर लेना है आप लोग को। और कंटेस्ट भी हल्का से इसको इंक्रीज कर लेना है। और यहाँ पे आना है गाइस, ब्राइटनेस पे क्लिक करना है आप लोग को, हल्का से ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है। अब यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, इतना करने वास्ते आप लोग को अपनी फोटो को यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और अपने फोटो को सेव टू डिवाइव कर लेना है। अब यहाँ पे एक बार और इसी फोटो को आप लोग को फिर से यहाँ पे ऐड करना है गाइस, फोटो रूम में ही यहाँ से शेयर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करने वास्ते आप लोग फोटो रूम एप्लीकेशन में इसको फिर से ऐड कर लेना है, थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से आना है नीचे गाइस आप लोग को, और फिर से आप लोग को सेम ऐसे ही करना है, यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक करना है आप लोग को। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा डाटा स्लो है तो थोड़ा से स्लो चल रहा है। अब यहाँ पे फिर से आप लोग को बैकग्राउंड के पीछे क्लिक करना है और एडजस्ट पे आना है गाइस, एडजस्ट पे आने वास्ते आप लोग हुई पे क्लिक करना है। और आप लोग को जो भी बैकग्राउंड का कलर आप लोग को अच्छा लगे ऐसे आप लोग कर लेना है अच्छा से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं हम ऐसे, ऑपसिटी को यहाँ पे 100 रखना है गाइस ठीक। अब यहाँ पे इसका सिचुएशन क्लिक करना है आप लोग को, इसको अपने हिसाब से रख लेना है। और ब्राइटनेस पे क्लिक करना है गाइस, इसको भी हल्का सा माइनस पर रखेंगे आप लोग अपने हिसाब से। अब यहाँ से अपने फोटो को फाइनल यहाँ से डन कर देना है। और यहाँ पे देखिए आप लोग को हल्का से इसको इंक्रीज कर लेना है। और इस पे आना गाइस, इस पे आने के बाद इसको भी पूरा फुल इंक्रीज कर लेना है आप लोग को। और कंटेस्ट भी हल्का से इसको इंक्रीज कर लेना है। और यहाँ पे आना है गाइस, ब्राइटनेस पे क्लिक करना है आप लोग को, हल्का से ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है। अब यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, इतना करने वास्ते आप लोग को अपनी फोटो को यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और अपने फोटो को सेव टू डिवाइव कर लेना है। अब यहाँ पे एक बार और इसी फोटो को आप लोग को फिर से यहाँ पे ऐड करना है गाइस, फोटो रूम में ही यहाँ से शेयर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करने वास्ते आप लोग को फोटो रूम एप्लीकेशन में इसको फिर से ऐड कर लेना है, थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से आना है नीचे गाइस आप लोग को, और फिर से आप लोग को सेम ऐसे ही करना है, यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक करना है आप लोग को। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा डाटा स्लो है तो थोड़ा से स्लो चल रहा है। अब यहाँ पे फिर से आप लोग को बैकग्राउंड के पीछे क्लिक करना है और एडजस्ट पे आना है गाइस, एडजस्ट पे आने वास्ते आप लोग हुई पे क्लिक करना है। और आप लोग को जो भी बैकग्राउंड का कलर आप लोग को अच्छा लगे ऐसे आप लोग कर लेना है अच्छा से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं हम ऐसे, ऑपसिटी को यहाँ पे 100 रखना है गाइस ठीक। अब यहाँ पे इसका सिचुएशन क्लिक करना है आप लोग को, इसको अपने हिसाब से रख लेना है। और ब्राइटनेस पे क्लिक करना है गाइस, इसको भी हल्का सा माइनस पर रखेंगे आप लोग अपने हिसाब से। अब यहाँ से अपने फोटो को फाइनल यहाँ से डन कर देना है। अब फोटो रूम की जरूरत यहाँ पे नहीं है आप लोग की, तो यहाँ से अपने फोटो को सेव कर लेना है, शेयर पे क्लिक करके सेव टू डिवाइव कर लेना है। और गाइस यहाँ से अपनी कट कर देना है और यहाँ पे आना है अपने फोटो पे जो फोटो को सेव किए हैं गैलरी के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स इस वाले फोटो को यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे और अपनी फोटो को ले चलेंगे किसमें, लाइट रूम के अंदर ऐड कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों, मैंने अपने फोटो को ऐड कर लिया हूँ लाइट रूम के अंदर। तो यहाँ पे ऐड करने वास्ते गाइस आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लाइट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे कंटेस्ट कॉल का माइनस में रखेंगे, और यहाँ पे एक्सपोजर को इंक्रीज कर लेंगे गाइस, और यहाँ पे हाईलाइट को भी हल्का सा माइनस में रखेंगे गाइस, और शेडो को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, और वाइट को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए ब्लैक को माइनस में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, इधर आना है आप लोगों को कलर पे और मिक्स पे जाना है। सबसे पहले तो अपने बैकग्राउंड का कलर आप लोग को अपने हिसाब से रखना है, ब्लू टोन देना है, जो भी टोन आप लोग अपने थंबनेल पे देखे हैं वैसे आप लोग यहाँ दे सकते हैं गाइस, इतना आप लोग कर लेना है। देख सकते हैं आप लोग को सामने, अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आप लोग आराम से कर लीजिए देख के। अब यहाँ से इस वाले कलर पे आना है सेकेंड पे, इसका सचुएशन आप लोग को माइनस रखना है, और ल्यूमिनस को इंक्रीज कर लेना है फ्रेंड्स, और येल्लो पे आना है, येल्लो का पूरा फुल वही माइनस और सचुएशन भी माइनस गाइस, और यहाँ पे आना है रेड वाले कलर पे फर्स्ट वाले पे, और इसका सचुएशन को हल्का इंक्रीज कर लेना है, वही को माइनस ल्यूमिनस को इंक्रीज। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोग अपने फोटो में सेम आप लोग करना होगा, तभी जाके आप लोग मेरे जैसे फोटो एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड्स आप लोग को। अब देखिए फ्रेंड्स इस पर आना है हल्का से, यहाँ पे क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेना है, टेक्सचर को भी, और विग्नेट को हल्का से माइनस में रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आना है फर्स्ट वाले टूल्स पे, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है आप लोग को, सेकेंड वाले पे क्लिक करना है, और इधर से आप लोग क्या करना है देखिए ऐसे कर लेना है, और लाइट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, एक्सपोजर को हल्का से इंक्रीज कर लेना है, और इस पर आना है फ्रेंड्स क्लियरिटी को माइनस, और टेक्स्चर को भी माइनस, और इसको भी हल्का से नीचे वाले को भी माइनस में रखना है ठीक, और ऐसे करना है आप लोग को फोटो को हल्का से छोटा करना है, इसको सबसे पहले ऐसे कर लेना है ठीक। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करना है गाइस, और इसका एक डुप्लीकेट कर लेना है, और इसको ऐसे कर लेना है ठीक, और इसको लाइट इधर से कर लेना है, मार लेना है ठीक। अब यहाँ पे इस बार इसका एक और डुप्लीकेट करना है गाइस ठीक, और इसको ऊपर की तरह करना है ठीक। तो देख सकते हैं गाइस जैसे हम कर रहे हैं आप लोग को वैसे करना होगा, तभी जाकर कर पाएंगे मेरे जैसे सेम फोटो एडिटिंग। अब यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर आप लोग, बिफोर एंड आफ्टर। अब यहाँ से इस पर आना है गाइस, विग्नेट को हल्का सा और माइनस पर रखेंगे। अब इस पर आना है गाइस, सरप्राइज को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है, और डिटेल्स को 100, मेकिंग को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना है, और नोइज रिडक्शन को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना है फ्रेंड्स, कंटेस्ट को भी, और कलर नोइज रिडक्शन को भी हल्का सा इंक्रीज, और लास्ट में डिटेल्स को एंड स्मूथनेस को 100 रखना है गाइस। और यहाँ पे इस पर आना है गाइस, इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना आप लोग को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बिफोर एंड आफ्टर एक बार और देख लेते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, अपने फोटो को शेयर पे क्लिक करना है गाइस, और अपने फोटो को ले चलना है किसमें, ऑटोडॉक्स एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपने फोटो को ऐड कर लिया हूँ ऑटोडॉक्स एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे लाने वास्ते गाइस आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो ब्रश पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लाइब्रेरी पे आना है गाइस, इस वाले ब्रश को लेना है, स्मच ब्रश में आने वाले इस वाले ब्रश को लेना है नीचे वाले पे, और सेटिंग को देख लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्लो को यहाँ पे और 8 रखना है, स्ट्रेंथ को भी माइनस में रखना है गाइस 11, और साइज को अपने हिसाब से रखना है गाइस, और अपने फोटो को जूम करना है सबसे पहले, और जूम करने वास्ते आप लोग क्या करना है गाइस, ऐसे अपने फोटो को ऐसे रोटेट कर लेना है, और अपने फोटो पे ऐसे साइज को छोटा कर लेना है हल्का से, और देखिए ऐसे सिंपल से ड्रॉ करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फेस स्मूथ हो रहा है कि नहीं, तो ऐसे रोटेट कर करके आप लोग अपने फेस को ऐसे स्मूथ कर लेंगे फ्रेंड्स। तो जितना ही टाइम देंगे गाइस फेस स्मूथ में, उतना ही अच्छे से स्मूथ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ लाइव प्रूफ आप लोगों को फेस स्मूथ करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, कोई भी यहाँ पे फेक ट्रिक नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल आप लोग के सामने ओरिजिनल मैं जो भी बताता हूँ आप लोग को ट्रिक एकदम सही बताता हूँ। जो भी यहाँ पे थंबनेल पे देखते हैं गाइस ना, वैसे ही सेम मैं फ़ोटो एडिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ, और आप लोगों को भी सिखाता हूँ कैसे आप लोग कीजिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं गाइस जैसे कि मतलब थंबनेल पे कुछ और अंदर वीडियो कुछ और बताते हैं लोग, तो ऐसे हम नहीं है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जल्दी से मैं थोड़ा सा वीडियो को मतलब जो भी है वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, और आप लोग को फेस स्मूथ करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को मैं फास्ट करके आप लोग को फेस स्मूथ करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग आराम से कर लीजिएगा।
तो गाइस आप लोगों तो इतना कर लिए होंगे, तो अब आप लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे फेस मेरा स्मूथ हो चुका है। बट यहाँ पे आप लोग को अब बताएंगे अपने फ़ोटो में क्लियरिटी कैसे लाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और शेयर पे क्लिक करेंगे, अपने फ़ोटो को सेव टू डिवाइप कर लेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब आप लोग को अपने फ़ोटो को लाना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। और यहाँ पे लाने वाले गाइस आप लोग क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रिटच पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑटो पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, और थोड़ा से वेट करना है आप लोग को। और इसको 100 रखना है आप लोग को गाइस, और यहाँ से डन कर देना है। अब यहाँ पे मेकअप पे क्लिक करना है गाइस, और मेकअप पे क्लिक करने के बाद से आप लोग को इधर आना है, इस वाले लिप को यहाँ कलर चेंज कर लेना है आप लोग को सबसे पहले, और यहाँ पे इसको अपने हिसाब से रखना है गाइस, और यहाँ से डन कर देना है। और फ्रेंड्स क्या करना है यहाँ पे आप लोग को देखिए, इस वाले पे आना है और यहाँ पे ब्यूटी पे क्लिक करके आप लोग अपने चेहरे पे जो भी कलर टोन देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग, और यहाँ से डन कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे इधर आना है आई कलर पे, और आपने आँख में लेंस लगा लेना है जो आप लोग को अच्छा लगे गाइस। तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाले हम लगाते हैं, इसको ले लेते हैं यहाँ से, और इरेज पे क्लिक करेंगे, ऊपर के भाग को ऐसे इरेज कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे फ्रेंड्स, और इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। और इसके ऑपेसिटी को और हल्का से इंक्रीज कर लेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, फोटो यहाँ पे फाइनल एडिट होकर तैयार हो चुकी है। आप लोग को अंतर दिख रहा होगा, आप लोग को जूम करके दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ से डन कर देना है फाइनल गाइस आप लोग को। अब आप लोग कैसे सेव करना है, तो यहाँ पर नीचे आना है गाइस ड्रॉ टूल में, और यहाँ पर थ्री डॉट क्लिक करके अपने फ़ोटो को आप लोग को सेव करना है। ऐसे करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो भी फोटो है पूरा फुल HD में सेव होगी और क्वालिटी भी लॉस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।